12.2513 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कुछ भी नहीं करना था, पहले हम जो स्फीयर रखेंगे उसका डायमीटर उसकी साइड के इक्वल होगा, ठीक है, जो कि 7 सेंटीमीटर है। अब रेडियस फाइंड आउट करके आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जार है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और छोटी हमारी आयरन बॉल है जिनकी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, तो बताने जार में कितनी आयरन बॉल जार कंटेन्स करेगा। तो देखो नंबर ऑफ आयरन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल जार अपॉन वॉल्यूम ऑफ आयरन स्फीयर। यानी हमें स्फेरिकल जार की संख्या बतानी है, स्फेरिकल जार का आयरन बड़े बॉल का जो आयरन बॉल है उसका वॉल्यूम दे देंगे, तो 4/3 π r³ × 4/3 π r³ 4/3 π से 4/3 π कैंसिल हो जाएगा, r अपान r का होगा क्यूब बन जाएगा, हमें 6 अपान 1.4 ये कैंसिल करेंगे, 4 × 10⁴ 64। तो नंबर ऑफ 64 बॉल आपकी कंटेन्स होगी उस जो बॉल होगा उसमें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने क्या किया, ओपन क्या किया, हमने जार का वॉल्यूम है सेंटर जार का 4/3 π r³, नीचे बॉल का लिए 4/3 π r³, इस तरीके से हमने नंबर ऑफ बॉल फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इक्वल ऑफ एनी स्फीयर, कोई स्फीयर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वॉल्यूम की और सरफेस एरिया की इक्वल है तो इसकी रेडियस बतानी है। तो लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर यूनिट, तो वॉल्यूम की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू है इसके सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों आपस में बराबर है, एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के आपके मान बराबर है, आप लोगों को उसकी त्रिज्या बतानी है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 π r³ और सरफेस एरिया होता है 4 π r² देखिए इसको हमने इसी तरीके से लिखा, ये चीज यहाँ ले आएंगे 4 π r², ये 3 वहाँ से ऊपर चला जाएगा 3 हो गया, 4π से 4π यहाँ पे r क्या आ जाएगा 3, कितना आ गया होगा 3 यूनिट आपने क्या किया रेडियस फाइंड आउट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एक स्फीयर की रेडियस दी है, हमें उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया बताना है, तो वॉल्यूम के लिए आपको फार्मूला आपको तो पता है पिछले क्वेश्चन में लगाया है 4/3 π r³ × 4/3 π × 2/7 r³ 3.5 3.5 3.5 इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आप कैसे ऐसे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड आउट हो जाएगा। तरफ सरफेस एरिया निकालना है 4 π r² कर देंगे, 4 × 22 = 73.5 × 3.5 कर देंगे, इसको तो आप इजीली फाइंड करेंगे 44 × 3.5 आ जाएगा, फिर इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं केवल कैलकुलेशन है। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर दी गई है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर दी सिंपल रेसर का 1.6 सेंटीमीटर, कहा गया इसको जो है मेटेलिक स्फीयर को हमने स्पेशल में मर्ज कर दिया, जैसे मर्ज कर दिया ये ड्रॉप कर दिया, तो ये पूछा है कितना वाटर लेवल ऊपर आएगा। तो देखिए रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर दी है, डायमीटर दिया है और इसकी भी रेडियस निकाल देंगे, कैपिटल आर 1.68 × 0.84 मीटर में आएगी, 84 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, आपको यहाँ पे हाइट बतानी है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा मेटालिक स्फीयर का वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेसल, सिलेंडर वेसल का वॉल्यूम हम निकालेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेसल कर देंगे, 4/3 π r³ × π r² कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4/3 r³ × 21³ = r² r²
21 into 21। ओके, अपान में 3 दिया है into 84। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 4 टाइम्स कट होगा, 4 से पूरा पूरा ये भी 4 टाइम्स होगा। h इक्वल टू 7/4, h इक्वल टू 1.75 मीटर सॉरी सेंटीमीटर, यानी जितना ले लेंगे उसका क्वाड्रा ऊपर उठेगा। कुछ नहीं करना था, केवल जो स्क्वायर था रखेंगे तो उसका वैल्यू लेंगे, वैसे का वैल्यू लेंगे, वैसे का जितना वाटर का कोई वैल्यू आएगा दोनों को इक्वल करके हम हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 25 तक आपके आज के वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स में भी सम्स हैं अपना देखें, उसको सॉल्व करें, जो प्रॉब्लम हो वो अपने क्लास में सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।